हाँ निकेत, बताओ क्या बात थी? हाँ यार वानी, बस अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को लेके कुछ बात करनी थी तुमसे। हाँ अभी हाँ इंग्लिश बोलो। एनवायरनमेंट के लिए मैंने कोचिंग तो ज्वाइन कर ली, वहां जाके मेरा नॉलेज भी पूरा रिफ्रेश हो गया है। बट जब भी सामने से कोई इंग्लिश में बात करता है ना मेरे से, तो मेरा पूरा कॉन्फिडेंस लो जाता है और मेरे को समझ ही नहीं आता है कि मैं क्या बोलूँ, पूरा ब्लैंक हो जाता हूँ मैं वहां पे। यही बस इतनी सी बात है। है यार। अरे यार डोंट वरी, इसमें कोई इतना परेशान होने वाली बात थोड़ी है। रुको मैं बताती हूँ। कोचिंग क्लासेस वालों ने तो अपना काम बढ़िया से कर दिया, तुमको इंग्लिश सिखा दी है ना, तुम वहाँ गए, तुमने क्लासेस अटेंड करी, तुम्हारी नॉलेज रिफ्रेश हुई, तुम्हें एक आइडिया लग गया कि कैसे क्या होता है, राइट? लेकिन तुम्हारा काम वहीं थोड़ी ख़त्म हो जाता है। जो कुछ भी तुमने वहाँ सीखा है, समझा है, जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, इम्प्रूव कैसे करोगे? और जब तक इम्प्रूव नहीं करोगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और तुमने अभी खुद बोला ना कि जब भी तुमसे कोई बढ़िया से इंग्लिश में बात करता है तो तुम नर्वस हो जाते हो, तो जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है वो लूज हो जाता है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऐसे ही लोगों के साथ खूब प्रैक्टिस करनी है, उनसे खूब इंग्लिश में बात करनी है। तभी तो धीरे धीरे करके जो तुम्हें आज डिफिकल्ट लग रहा है, वो विद प्रैक्टिस कल को तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तभी तो तुम इम्प्रूव करोगे। यार एडवाइस तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, बट यही तो प्रॉब्लम है कि मैं उनके सामने कुछ बोल नहीं पाता हूँ। और ये सब क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम मिस्टेक्स करोगे तो वो सब तुम्हें जज करेंगे। एग्जैक्टली, मुझे लगता है कि अगर मैं मिस्टेक्स करूंगा तो सब मुझे जज करने वाले हैं। इतना मत सोचो, एक सिंपल सा काम करो, तुम ना इंग्वार्ता डाउनलोड कर लो। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो तुम्हारी इंग्लिश इंप्रूव करने में ना हेल्प करेगा। तुम वहाँ जाओ और तुम डेली डिफरेंट इंग्लिश एक्सपर्ट से बात कर सकते हो। ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं, दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड, दे विल मोटिवेट यू, वो तुम्हें इनकरेज करेंगे, तुम्हारी छोटी मोटी गलतियाँ भी ठीक कर देंगे और तुम्हें एक फ्लुएंट कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बनने में हेल्प करेंगे। यार ये तो बहुत सही है, बट इसके चार्जेस बहुत ज्यादा होंगे मुझे लगता तुम्हारी मिस्ड अपॉर्चुनिटी से तो कम ही होंगे। रुको मैं बताती हूँ, अगर तुम एक पर्सनल ट्रेनर हायर करते तो जितनी फीस तुम उसको देते, ठीक उतनी ही फीस इस ऐप की भी है। बस फायदा यहाँ पे ये है कि यहाँ तुम एक ट्रेनर के साथ नहीं, मल्टीपल ट्रेनर्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। और उससे पता है क्या अच्छा। होता है, तुम्हारे लिए एक रियल वर्ल्ड इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। रियल वर्ल्ड इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट, ये क्या चीज हुई वाणी? बताती हूँ, देखो जनरली पता है होता क्या है ना, कि जब हम किसी एक ट्रेनर के साथ ऑन अ डेली बेसिस प्रैक्टिस करते हैं, सो आफ्टर सम टाइम हम उसके साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो उससे बातचीत करने में हम उतना हेजिटेट नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही हमें किसी नए आदमी से इंटरेक्ट करना होता है ना, तो तब हम फिर से नर्वस हो जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस फिर से लो हो जाता है। एंड द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस ही नहीं है डिफरेंट डिफरेंट लोगों से बात करने की। और यहीं पे इंग्वार्ता पता है क्या करता है, वो तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट से कनेक्ट करवाता है। ऑन ए डेली बेसिस तुम डिफरेंट एक्सपर्ट्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। एक्सपर्ट्स तुम्हारी मिस्टेक्स तुम्हें बताएंगे, तुम्हारे करेक्शंस तुम्हें बताएंगे, तुम्हें मोटिवेट करेंगे और तुम इम्प्रूव भी करोगे। और साथ ही साथ तुम रियल वर्ल्ड में इंग्लिश बोलने के लिए प्रिपेयर भी हो जाओगे। अब ऐसा ना हो कि कल को कोई तुम्हारा क्लाइंट हो या तुम्हारा कोई इंटरव्यूअर हो और वो तुमसे इंग्लिश में बात करे, और जब तुम्हें रिप्लाई करना हो तो तुम फिर से नर्वस हो जाओ और तुम फिर से अपना कॉन्फिडेंस लूज कर लो। फिर क्या करोगे? यार वानी एकदम सही बोल रहे हो, बिल्कुल यही चीज मैंने भी नोटिस करी है कि जब मैं अपने सर से कोचिंग में बात करता था तो एकदम अच्छे से फ्लुएंट इंग्लिश में बात करता था। और रिसेंट की बात लो, जब मैं कल इंटरव्यू देने गया था तो वहां पे मेरा पूरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, मैं कुछ नहीं बोल पाया वहां पे। और इसका मेरे को यही रीजन लगता है कि मैं अलग अलग लोगों से बात नहीं कर पाता, उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पाता, इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है मेरे अंदर कि मैं उनसे बात कर सकूं इंग्लिश तुम ना एक में। काम करो, तुम आज ही जाके ना अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करो, एंड आई एम श्योर कि कुछ टाइम बाद तुम अपने अंदर खुद एक नोटिसेबल चेंज देखोगे। ओके, तो ऐप का नाम क्या था? आप, मैं अभी डाउनलोड कर लेता हूँ इसको। एंगवार्ता, राइट? इंग्वार्ता। और सुनो 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 ओके अनिकेत, एक और बात। यस। सी इवन आई एम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, तो अगली बार से जब भी मुझे फोन करो ना, तो प्लीज इंग्लिश में ही बात करना। उससे यह ओके होगा कि श्योर। जब भी तुम मुझसे बात करोगे तो तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो कोई भी अपॉर्चुनिटी मत छोड़ो किसी से भी इंग्लिश में बात करने की। जितना बात करोगे उतनी तुम्हारी प्रैक्टिस होगी और तुम उतना ही इंप्रूव करोगे, समझे? श्योर, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू सो मच चलो, भाई। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।